बिसम अस्सलाम वालेकुम नाद्रीन आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैं इमरान खान हूँ सबसे पहले इमरान खान साहब की ख़बर रख लेते हैं जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि लगता है एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन करवाने जा रही है इमरान खान साहब का ये कहने का मकसद क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको इस वी में बताता हूँ लेकिन ज़रा पहले मुकम्मल तौर पर देख लेते हैं सहाफ़ियों से बातचीत की है इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि मेरा इस्टबलिशमेंट से कोई रबता नहीं है और यह बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब का इस्टब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई रहा नहीं है और उन्होंने कोशिश भी नहीं की दूसरी जानब इस्टबलिशमेंट में एक तब्दीली के बाद चंद पैगाम के अलावा कोई कोशिश हुई भी नहीं और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में जब एक बड़ी तब्दीली आई है तो वो इस्टेबलिशमेंट को मौका भी देना चाहते हैं कि पिछले सात महीने में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो अब होने से रुक जाए हालांकि आज़म सवाती वाला मामला जो है वो बहुत डिस्टर्ब करने वाला मामला है लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब काफ़ी होल्ड कर रहे हैं और अपने कारकुनों को भी कह रहे हैं कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट को मौका मिलना चाहिए और एक फेयर चांस होना चाहिए ताकि जो पुरानी और गलत पॉलिसीज़ हैं उनमें से वो बाहर निकलें अच्छा इसमें उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन कराने जा रही है उन्हें कहा ये ये लगता है मुझे उन्होंने कहा जब दो इसम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखबा तो करवाना ही पड़ेंगे उन्होंने कहा कि इसम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन तखीर का शिकार होते हैं तो हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता हमने फ़ौरी तौर पर इसमियाँ इसलिए तहलील नहीं कें कि इतहादियों को भी मनाना था यानी फ़ौर भी कर सकते थे इमरान खान ने प्रवेज अली से मुतिक सवाल पर कहा कि ग्यारह जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे हमें कोई शक नहीं कि परवेज अली इसमियाँ तोड़ देंगे अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले देखिए परवेज अली साहब तो नहीं चाह रहे कि इसमलियाँ टूटें दूसरा परवेज अली साहब एक ऐसा लिंक है इमरान खान साहब और इस्टेबलिशमेंट के दरमियान जिनके ज़रिए से इमरान खान साहब को आइडिया हो जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है डायरेक्टली तो इमरान खान साहब की कोई बातचीत हो नहीं रही और अब बातचीत कोई करेगा भी नहीं और इमरान खान साहब खुद भी नहीं करेंगे हाल आपके सामने है लेकिन परवेद से और मनिसलाई से इमरान खान साहब की मुलाकातें होती हैं और वो इस्टबलिशमेंट के साथ बहुत करीबी रबतों में हैं तो कोई भी सही बात तो नहीं बताएगा परवेद साहब और मन सलाई साहब चाहते हैं कि ये इसम्बलियाँ अपनी मुदत पूरी करें और जितना मैक्सिमम हो सकता है परवेज लाई साहब वज़ारत अ पंजाब में मौजूद रहें पंजाब के वज़ी रहेंगे तो ताकत उनके पास रहेगी अब अगले इलेक्शन के बाद अगर पाकिस्तान तरीकान साफ़ अक्सरीत में चली जाती है वो तो दावा कर रहे हैं कि तीन चौथाई अक्सरियत चले दो तथाई भी आ जाती है या सिंपल भी तो वह परवेज लाई को क्यों बनाएंगे वज़ी अला पंजाब ये एक बड़ा सवाल है जो उन सब के दिमाग में है लेकिन इसके बावजूद इमरान ख़ान साहब ने कई कई घंटे परवेज लाई से और उनके साहबजादे साफजादे मुन्नसलाई से बातचीत की है तो उसमें अंदाजा हो जाता है कि इस्टेबलिशमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है अगर आप बार बार, बार बात करते हैं तो और इमरान खान आपको जानते हैं आपके वो नर्व सीम के मास्टर हैं और इंटेलिजेंस तो है उनके पास इंटेलिजेंस भी है और उसके साथ एक चीज और भी है उसके बारे में कभी आपको फिर जो है वो बताऊंगा लेकिन फिलहाल फिलहाल इमरान खान साहब ने कहा कि लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन करवाने जा रही है उसके रीजन क्या है एक तो उनको परवेज परवेजिलाई और मुनसलाई से आइडिया हो गया जब वो बात करते हैं कि होना क्या है कि इनके ऊपर दबाव कितना है इस्टब्लिशमेंट का क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा दबाव मोनसलाई और परवेज परवेजलाई पर डालती अगर वो दबाव डालने की पोजीशन में होते या इस्टबलिशमेंट को ये लगता कि बहुत ज़्यादा दबाव डालना है तो वो परवेज परवेजलाई और मोनसलाई पर दबाव डालकर गेम चेंज कर चुके होते क्योंकि वो गेम चेंज नहीं कर रहे और ये दोनों वालद दो और बेटा इंटैक्ट हैं इमरान खान साहब के साथ तो उससे उनको अंदाज़ा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो हो सकती है कि इंतखात इकट्ठे हों देर से हों लेकिन ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके लिए किसी भी हद तक इस वक्त जा रही है ये मैं आपको गेस्ट वर्क बता रहा हूँ इमरान खान साहब का उनका आइडिया दूसरा इमरान खान साहब को जो उनके साथियों ने कुछ ने ये क्लेम किया कि उनको टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं उनको रबता किया जा रहा है और उन पर दबाव डाला जा रहा है कि एतमाद के वोट के लिए वो ना पहुँचें वो ना आए तो ये जो दबाव डाला जा रहा है इमरान खान साहब के कुछ साथियों के ऊपर उस पर इमरान खान साहब ने लोगों को बुलवाया था दो खतन ने क्लेम किया था जब उनसे पूछा गया बार बार तो उन्होंने कहा जी ऑफर आ रही हैं अन नोन नंबरों से आ रही हैं हमें ये कहा जा रहा है कि पैसे दिए जाएंगे तो इमरान खान साहब को ये आइडिया हो गया कि ये ख़वन पक्की बात नहीं कर रही हो सकता है इनको कोई कॉल आई हो अन लेकिन हो सकता है कि इनको ना आई हो क्योंकि अब इंतबाद करीब हैं और तमाम मखसूस नशस्तों पर जीतने वाली ख़्वीन ये चाहती हैं कि उनको आइंदा टिकट ज़रूर मिले तो मुमकिन है कि खावन ने इसलिए अपनी वफ़ादारी शो करने के लिए झूठ भी बोल दिया हो हाँ मैंने पाकिस्तान तरीकानसाफ के एक बड़े करीबी रहनमा से पूछा कि अगर तो टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं और कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं जनूबी पंजाब से आपके तो कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जब हमने उनसे डिटेल में बातें जानने की कोशिश की तो ये तो ज़रूर साबित हो रहा है कि उनको लालच के लिए कॉल्स आ रही हैं और जानने वाले लोगों के ज़रिए से करवाई जा रही हैं लेकिन डराने और धमकाने वाली कॉल्स अभी तक कोई अपने पाँव पर खड़ा नहीं हुआ जो कह रहा हो कि डराने और धमकाने वाली कॉल्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग शायद वो ये खेल खेल रहे हैं ज़रूर और वो इमरान खान साहब के साथ पर्सनल हुए हैं जिनको इमरान खान साहब की वजह से उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा, या उनके मामला जो हैं वो बहुत एक्सपोज हुए और वो मुश्किल का शिकार हुए माजी में या कुछ हमारे साथी ऐसे भी कहते हैं कि बाक़ियात मौजूद हैं इस्टेब्लिशमेंट की पिछली सोच की और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करके इमरान ख़ान साहब को इलेक्शन ना मिले इस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब अगर पूरी ताकत के साथ वापस आएंगे तो कम से कम उन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी जिन्होंने इमरान खान के लिए ज़मीन को तंग करने की कोशिश की है या इमरान खान के साथियों के लिए और जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान सितम किए हैं तो इसलिए वो अपने तौर पे कुछ ऐसा ज़ोर तो ज़रूर लगाते हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन पॉलिसी के तहत गालिबन इतने बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ नहीं हो रही जैसी माजी में होती थी हाँ एक एपिसोड हुआ है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा शुभ किया जा रहा है कि ये दुरुस्त है और क्लेम किया जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो चीफ़ सेक्रट्री पंजाब के हैं उनके साथ अब्दुल्ला सुबल साहब के साथ कुछ थोड़ा सा सख्ती की गई है या उन्होंने ऐसे हालात देखे हैं जिसमें उनके ऊपर दबाव था क्योंकि देखिए चीफ सेक्रेटरी जो है वो बर रास्त वज़ी अला पंजाब के अंडर काम करता है ऐसा मुमकिन नहीं है कि गवर्नर से डायरेक्ट ऑर्डर लेकर वो नोटिफाई कर दें कि जी वज़ीर फ़ार गए ऐसा होता नहीं है और ये इस तरह से हुआ है अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि कुछ ताकतवर लोगों का हाथ है और पंजाब के बहुत ताकतवर आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व थे झाती तौर पर लेकिन क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है मैं फिर आपको कहूँगा कि साबिर शाकिर साहब की बात को फेंका नहीं जा सकता और कुछ और तजिया कार भी ये कह रहे हैं कि पिछली इस्टबलिशमेंट की कुछ बातबा उनसे सब्र नहीं हो पा रहा कि अगर इमरान ख़ान साहब इलेक्शन के नतीजे में आ गए तो मुश्किल पैदा हो जाएंगी मजीद और गुस्सा भी है रंजिश भी है तो ये चीजें मैंने आपको कहा ना कि जिद और अना की वजह से तो पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है बहरहाल ये चीजें चलती रहेंगी लेकिन इमरान खान साहब का अंदाजा इन वजूहत की बिना पर यह है कि वो असम्बलियां तोड़ पाएंगे असेंबलियां अगर इमरान खान साहब तोड़ पाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान अलेक्शन में जाएगा अलेक्शन में जाने से तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा और असेंबलियां तोड़ने के लिए इमरान खान साहब को सिर्फ एक मरतबा परवेज अली साहब को एतमाद का वोट दिलवाना है अपने बंदे पूरे करके पहुंचाने हैं 187 मेंबर्स वो कह रहे हैं एक चाहिए एक का बंदोबस्त हो गया और किसी भी वक्त जब बंदे पूरे हो जाएंगे चंद बंदे कुछ इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं वो जैसे ही पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे नंबर पूरे हो जाएंगे अब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने इन सब लोगों ने यह तय किया हुआ था कि पाकिस्तान तरीके के बंदे पाकिस्तान वापस पहुँचे उससे पहले पहले ही एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा दी जाए गेम भी यही था गवर्नर साहब का कि जल्दी ले लें छत्तीस घंटे के अंदर अंदर एतमाद का वोट तो वो एतमाद का वोट लेने के लिए जिस तरह से दबाव डाला जा रहा था जो कोशिश की जा रही थी अगर उस तरह से हो जाता तो फिर तो नहीं होना था लेकिन अब टाइम मिल गया बंदे वापस आएंगे एक अगर पूरे हो जाएंगे तो फिर फ़ौरन असेंबलियां तहलील हो जाएगी और असेंबलियों की तहलील के नतीजे में होगा क्या असेंबलियों की तहलील के नतीजे में इलेक्शन की तरफ जाएगा पाकिस्तान तीन तीन महीने नहीं तो साढ़े तीन महीने इतने नहीं तो चार महीने इससे ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं पाएंगे यानी फिर लोग मानेंगे नहीं लोग इंतबात का इंतज़ार करेंगे और जोर लगाएंगे इमरान खान जख्मी भी हैं उनको पूरी तरह से चलने फिरने में एक महीना मज़ीद लगेगा और वो एक महीना अगर गुजर जाता है तो इमरान खान साहब फिर बेहतर हो जाएंगे और वो अपनी कंपेन को उसी स्पीड के साथ चलाएंगे जैसे उन्होंने 50-60 जलसों का एक रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान के अंदर छः महीनों के अंदर अंदर अब इसमें नाजरन ऐसा है कि इस सूरत हाल में भी जब मुल्क पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है हुकूमत की कारदगी के ऊपर मेरे पास चंद चीज़ें हैं वो इकदाम कर ही नहीं पा रहे लोड शेडिंग सर्दियों के अंदर भी हो रही है और ऐसा बड़े लंबे अरसे के बाद हो रहा है महंगे तरीन जो बिजली के मनसूबे इन्होंने बनाए थे अब ये बिजली बना ही नहीं पा रहे क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में महंगे तरीन मनसूबे शबाज़ शरीफ़ और नवाज शरीफ लेकर आए थे अब उन मनसूबों से अगर बिजली बनाकर लोगों को देते हैं तो पैसा पूरा नहीं हो सकता पेट्रोलियम की कीमतें जहाँ तक पहुँच गई हैं और डॉलर की प्राइस जहाँ तक पहुँच गई है इतना मिस मैनेज और मिस गवर्न किया इस मुल्क को कि अब सर्दियों के अंदर भी लोड शेडिंग हो रही है और इकदाम नहीं कर पा रहे बचत नहीं कर पा रहे यानी मैं आपको हुकूमती अखराज की एक तफ़ील बताता हूँ इस सैम में पिछले साल क्या हुआ था और इस साल क्या हुआ पिछले साल इमरान ख़ान साहब के हुकूमत में माली साल की सैम के अंदर जो पैसे खर्च हुए थे हालांकि बहुत सारे तरक्याती मनसूबे और बहुत सारी चीजें चल रही थी वो दो इशारिया दो लिहाजा एक एक दो हजार दो सौ पचास अरब रुपए इमरान खान साहब के दौर में इस के अंदर खर्च हुए थे अब इस आई के अंदर क्या हुआ है जब पाकिस्तान डूब रहा है तो खर्चा कम होना चाहिए हुकूमत का खर्चा इनका फिर बढ़ गया है दो इशारिया आठ तीन ट्रिलियन यानी दो हजार आठ सौ तीस अरब रुपए खर्च कर दिए यानी पिछली इमरान खान साहब के मुकाबले में 580 अरब रुपए ज्यादा खर्च किए हैं इस इंपोर्टेड सरकार ने तो ये इनकी कारकर्दगी है और बजट का खसारा भी देख लीजिए आप जो बजट खसारा इमरान खान साहब के हुकूमत में हुआ था इसी सही के अंदर माली साल की एक सैमाई में इमरान खान साहब के दौरेकूमत में चार अरब रुपए का बजट खसारा था और इस साल उसी दरानिए में 809 अरब रुपए का बजट खसारा हुआ है यानी तिरतालीस फीसद का इजाफा कर दिया है बजट में साहब की ने हालात इस तरह के पैदा कर दिए हैं और इसके बावजूद इनकी मीशत की पॉलिसी के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही आई एम एफ भी नाराज हो चुका है और तमाम आलमी एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग के बारे में मनफी रिमार्क दे चुकी हैं लगातार गिरती चली जा रही है तो नाजिंद में कुछ फैक्ट्स और बिजली का मसला हो गया था तो आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में जोड़ तोड़ के लिए तो आए हैं लेकिन उन्होंने सिंध का क्या हाल किया है यानी यहां पर गैर जरूरी कामों में मसरूफ हैं हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर और ऐसी चीजों में लेकिन सुबह सिंध में तालीमी इदारों और तालीम की सूरत क्या है इस खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कराची के स्कूलों को तीन लाख किताबों की कमी का सामना है और ये सिर्फ मैं आपको कराची के स्कूलों के बारे में बता रहा हूँ सिंध में वैसे तो हालात आप ये देख लें कि जिस तरीके से शाहजेब का कत्ल हुआ आज दस साल मुकम्मल हो गए हैं उस बात को शाहरुख जतोई नामी शख्स ने किया और उसके बाद किस तरह कानून के साथ खिलवाड़ हुआ वो हम सब ने देखा कैसे उस फैमिली को भी हरासा किया गया उनके जानने वालों को भी हरासा किया गया किस तरह सारी गवाहियाँ और किस तरह सारे शवाहद ख़त्म किए गए फिर किस तरीके से वी वी आई पी प्रोटोकल्स दिए गए और किस तरह फूलों की पत्तियाँ निछावर होती नहीं और विक्ट्री के निशान बनते रहे ये सब कुछ हमने देखा है अपनी आंखों से देखा है तो उसी सिंध के अंदर जो है वो टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत सरकारी स्कूलों को मुफ्त किताबें फ्राहम करने का दावा तो किया गया था लेकिन तालीमी इदारों में बदतरीन किल्लत का सामना पेश आ रहा है कराची के स्कूलों में तीन लाख किताबें जो हैं वो कम पड़ गई हैं नौवीं और दसवीं जमातों में जेर तालीम सरकारी स्कूलों के तलबा को ये किताबें फ्राहम नहीं की जा रही कराची की सतह के ऊपर बेशतर सरकारी स्कूलों में इन दरसी किताबों की ज़्यादा किल्लत है तो सरकारी स्कूलों में किताबें दे नहीं पा रहे और यहाँ पर आ गए सरकार को तब्दील कर दें साथ ही साथ कराची में जो वारदातें हैं वो भी अपने उरूज के ऊपर हैं इस वक्त जो हालात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ दो हज़ार बाईस का अब तक का डाटा और अब तक का डाटा क्या बता रहा है कि कराची में जो रजिस्टर्ड केसेस हैं उनके मुताबिक चार सौ तिहत्तर अफराद को मुख्तलिफ वाकियात में कत्ल कर दिया गया इनमें जो स्ट्रीट क्राइम के दौरान मुजाहमत पर एक सौ तेरह अफराद को डाकुओं ने गोली मार के मार दिया कत्ल किया चार सौ तेईस अफराद जख्मी भी हुए हैं डाकुओं के हाथों और मुख्तलिफ वाकियात में जो मुश्तिल हुजूम था उन्होंने बारह डाकुओं को भी मार डाला और तैतीस जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक और ये पुलिस का रिपोर्ट कहा है मैं बता रहा जो रजिस्टर्ड हुए केसेस सिर्फ वो उतने हैं, हैं। बहुत सारे होते भी नहीं है। जो है सात सौ तेरह मुख्तार की वारदातें हुई जिनमें असले के जोर पर शहरों से अट्ठाईस हजार एक सौ पचास मोबाइल फोन छीने गए पांच सौ साठ गाड़ियां छीनी गई तीन हजार तीन सौ बावन मोटरसाइकिलें छीनी गई इसके अलावा घर में घुस कर मुसलह डी के वाकयात भी लगभग साढ़े चार सौ से ज्यादा कराची में कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हालांकि पुलिस यह वाद पुलिस है पाकिस्तान की जो शहरी को यह मशवरा देती है कि जब डाकू आए तो बड़ी शराफत से अपना मोबाइल फोन आप उनके हवाले कर दें आप बिल्कुल मजामत ना करें क्योंकि वो फिर डाकू आपको कत्ल कर देंगे और पुलिस तो बड़ी जिम्मा है वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ कर नहीं सकते और कर पा नहीं रहे क्योंकि उन्होंने किसी और की चाकरी करनी है यानी कराची की जो पुलिस है जब मजार कायद के ऊपर एक शख्स जो है वो नाच रहा था वोट को इज्जत दो के नारे लगा लगा के उस पर जब रद्दअमल आया तो कराची की पुलिस जो है वो एहतजाज पे जा रही थी लेकिन इतनी डिकेतियां इतनी वारदातें इतने कत्ल इतने बुरे हालात उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई रद्दअमल नहीं है मैं पुलिस को बुरा नहीं कह रहा पुलिस वैसे ही करेगी जैसा उनको चलाने वाले उनसे करवाएंगे और एग्जैक्टली exactly पुलिस को गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कोई भी शख्स पुलिस में इसलिए भर्ती नहीं होता कि उसने बेड़े ही कर देना है आके डिपार्टमेंट का लोग इस नीयत से भर्ती होते हैं कि हम हालात को बेहतर करेंगे लेकिन जरदारी साहब हैं आवे का आवा ही उन्होंने बिगाड़ दिया अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का हाफिज़